आज हम पढ़ेंगे मेन पैथोलॉजिकल फीचर्स जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सैगोसप्लीन ठीक है सैगोस्प्लीन मिलता है इन फोकल सैगो सैगोस्प्लीन इन फोकल एमोइलर डोसेस सेकंड इज जो लेक्रोशियस स्प्लीन किस में मिलता है इट इज़ फाउंड इन डिफ्यूज डोसेस ठीक है डिफ्यूज़ एमोइलोडोसिस मेलोरिन हाइलिन बॉडी ये में मिलती है ये मिलती है एल्कोहलिक हेपेटाइटिस में ठीक है एंड ग्रे एंड रेड हेपेटाइटिस ग्रे एंड रेड हेपेटाइजेशन होता है निमोनिया में नेक्स्ट इस नटमैग लीवर नटमैग लीवर हमें मिलता है क्रॉनिक पैसिफ कंजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लम्पी बम्पी बेसमेंट मेम्ब्रेन किस में होता है तो ये होता है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिदमेटस एस एल ई अनियन स्किन स्प्लीन भी हमें एस एल ई में मिलता है ऑलरेडी कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला ठीक है नेक्स्ट इज की पीस मिल नेक्रोसिस एंड ब्रिजिंग नेक्रोसिस किस में मिलता है ये मिलता है क्रॉनिक एक्टिव हेपेटाइटिस में ठीक है फिर उसके बाद मेन कॉम्प्लिकेशंस पड़ेंगे जैसे कि मीजल्स में कौन सा कॉम्प्लिकेशन होता है बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ओटाइटिस मीडिया सेकेंड इज टाइफाइड इसमें कॉम्प्लिकेशन होता है पैरालिसिस इलियस uh, ठीक है पैरालिटिक इलियस वूपिंग कफ का कॉम्प्लिकेशन होता है निमोनिया डिफ्थेरिया का कॉम्प्लिकेशन होता है मायोकार्डाइटिस कई बार आ चुका है क्वेश्चन हाइपोथारोडिज्म का कॉम्प्लिकेशन होता है हाइपर हाइपोथर्मिया सॉरी हाइपोथर्मिया क्रॉनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस इसका कॉम्प्लिकेशन होता है मायोकार्डियल इन्फॉक्शन ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट इज मम्प्स इसका कॉम्प्लिकेशन होता है चिल्ड्रन में एनकेफलाइटिस एंड एडोलसनस में ऑर्काइटिस ठीक है एंड नेक्स्ट इस रोज रेड स्पॉट्स कई बार आ चुका है टाइफाइड में ये मिलता है हमें ठीक है सनबर्न रैश जो होता है ये पेलेग्रा में होता है ठीक है इसको नेकलेस रैश भी कहते हैं एंड नेक्स्ट इसकी जो कॉमनेस्ट डर्माटोलॉजिकल लीजन कौन सा होता है एक्ने वलगैरिस ठीक है और इसके बाद है ड्रग इंड्यूस्ड जो लीजन होता है कॉमनेस्ट वो कौन सा होता है टॉक्सिक एरिदमा नेक्स्ट इसकी जो टर्न ओवर पीरियड ऑफ स्किन है वो कितना होता है ट्वेंटी एट डेज